आपने अस्सलामु अलैकुम लिया है और आप में ताकत ज़्यादा थी और आपने दूसरे को राहत और सलामती मुंह से कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, लेकिन हाथ से उसको तकलीफ दे रहे हैं, ज़रर दे रहे हैं। छोटा बच्चा है, मैंने जवानों को देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, मैंने पहलवानी दिखाते हुए मुंह से अस्सलामु अलैकुम कि तेरा जान, तेरी माल, तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरा वजूद, तेरी रूह ये मुझसे महफूज है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, मगर तकलीफ दे रहा है तुझे। ये जो दबाया है ना, दुनिया में हिसाब देना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह दबाया जाएगा जहां तेरी सोच भी नहीं होगी, और कब्र में ऐसी जगह पे भेंचा जाएगा। फैसलाबाद अजीज फातिमा हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ एक कब्रिस्तान है, हमने एक खातून की तदफीन की, खातून की तदफीन की। मैं लाहौर था, रास्ते में तो मुझे फ़ोन आया उनकी बेटियों का कि हमारे भाई, एक क्वेटा एक इस्लामाबाद है, तो माँ जी की लाश कब्र से बाहर आ गई है। मैंने कहा जिन उलमा ने जनाजे वगैरह पढ़ाए थे उनको करीब लें, कहते हैं जी वो सारे डरते हैं, नहीं आ रहे। मैं घर गया, अहलिया को लिया, वो कफन वगैरह मालूम नहीं क्या हालत है ली और पहुँचे। आप सोच नहीं सकते थे कि कब्र ने दोनों तरफ से यूं दबा के प्रेस करके यूं निकाला था जैसे तूड़ी का बुलाक नहीं बनता। उस औरत की जसामत से 10 गुना कम में प्रेस करके, अगर मैं कहूं कि ये बोतल भी ज्यादा मोटी है तो ये मुबालगा नहीं होगा, इस कदर प्रेस करके कब्र ने बाहर निकाल के फेंका हुआ। अल्लाह हमें दिखाए ना, अगर दिखाए तो हम बचे ना। मैंने उनकी बेटियों से पूछा, बेटों से पूछा, क्योंकि खातून जाहिर नेक थी, नमाज रोजे की पाबंद थी और हर तरह से उसने अपने बच्चों को शौहर की बेवफाइयों के बावजूद, छोड़ने के बावजूद संभाला था, पाला था, अच्छी तरबियत की थी। पता क्या चला कि उसने दूसरी बेगम से जो बच्चा था ना, जब वो पैदा हुआ और बड़ा हुआ और बाप उसको उसका शौहर मिलवाने के लिए लाया और कई साल उसने इन बच्चों का हाल ही नहीं पूछा था, तो उसने गुस्से में आके कोशिश की कि इस बच्चे को बाजुओं में लेके दबा के मार दे। सिर्फ एक कसूर ये बताया गया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मुमकिन है ये हो, मुमकिन है ये ना हो, एक छोटी सी चीज ला जरारा वला जरार, अगर सिर्फ एक इस रिवायत के जुमले याद करके आप और मैं निकल जाएं, कभी कोई बिरादरी बेस पे कत्ल ना हो, कभी सोसाइटी में मार धाड़ ना हो, बड़े छोटे की बेअदबी और गुस्ताखी ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप और मैं अहदीस को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा करें। आइए पढ़िए मेरे साथ मोहम्मद रसूल सल्लम का कलाम समझ के, शर्म के बगैर, ताकि आप भी इस खुशखबरी में शामिल हो जाएं कि जिसने मेरी हदीस को सुना, सुन के याद किया, याद करके फिर उसको अच्छी तरह अपने पास महफूज कर लिया, और जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी मेरी उस अमानत को आगे अदा कर दिया, इंशाल्लाह आप भी आज के बाद अगर मुहद्दिसीन की उस लिस्ट में नहीं, कम से कम एक हदीस को हिफज करके इस खुशखबरी को पाने वाले तो होंगे। पढ़िए ला, शर्म है अभी ला, मैं अभी अगर नारे की तरफ आऊं ना, कोई बच्चा उठ के कह दे कि देखो देखो कौन आया, सबकी गर्दनें मुड़ जानी है और माशाल्लाह आपने कमाल नारा लगाना है, लेकिन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, नजरें झुका के कमाल समात के साथ, ला दरारा, ला ला, भूलेगा तो नहीं, मुश्किल भी नहीं है, एक ही लफज है, ला ला वला जरार, पढ़िए पढ़िए, वला वला जरार, ला दरारा वला दरार, ना दुख देना है ना दुख लेना है, ना परेशान करना है ना परेशान होना है।